आप क्या था एक विंडोज 7 यूज करते हो, आपको क्या था विंडोज 10 में अपग्रेड आप करना चाहते हो, बट अभी विंडोज 11 आ चुका है बट इंडिया में आना बाकी है, इंस्टॉलेशन ये सब सबका क्या था आना बाकी है, बट क्या था आपको विंडोज 10 यूज करना है, आप विंडोज 10 अभी भी यूज करते हो और वो करप्ट हो जाता है, कुछ भी खराबी हो जाती है तो आपको विंडोज इंस्टॉल करने पड़ता है नया। तो गाइस आप लोकल शॉप में जाते हो कहीं जाते हो तो आपको क्या बोलता है, ऑफ कोर्स 300 क्या किसी किसी को तो 1000 रुपीस पे करने पड़ता है विंडोज इंस्टॉलेशन का। सो गाइस आज मैं बताने वाला हूँ आप कैसे एक विंडोज इंस्टॉलेशन मतलब विंडोज 10 का एक बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। ये इसका काम क्या है गाइस कि आप अपना ये जो पेन ड्राइव है ना ये इसमें हम लोग कहते हैं विंडोज 10 इंस्टॉल कर लेंगे। इफ आप कभी भी आपका लैपटॉप हो, जैसे ये मेरा लैपटॉप है, अब ये लैपटॉप में मेरा समझ लीजिए क्या बोलते हैं मेरा विंडोज इसमें खराब हो गया, मतलब विंडोज खराब हो गया क्या, इसलिए मैं विंडोज 7 यूज करता हूँ। अब मेरे को विंडोज 10 में जाना है, क्या मेरा विंडोज 10 कभी खराब हो गया तो आप इजीली क्या करते हैं ये पेन ड्राइव मैं इंसर्ट करूंगा और मैं विंडोज 10 इंस्टॉल कर लूंगा। सो गाइस आज मैं ये बताने वाला आप कैसे बना सकते हैं ये बूटेबल पेन ड्राइव। सो गाइस शुरू करते हैं। गाइस मैंने ना आपको क्या था डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है गाइस, एक है आपका विंडोज 10 इंस्टॉलेशन का और एक आपको ये एक ऐप का दिख जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको विंडोज 10 इंस्टॉलेशन का इसको आपको खोल लेना है और आपको ना नीचे आना है और यहाँ आपको दिखेगा क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया। अब आपको इसके नीचे दिख जाएगा डाउनलोड टूल नाउ, तो ये मैं डाउनलोड टूल में आपको क्लिक कर लेना है। कुछ 18.6 MB का है आपका विंडोज 10 ये हो गया। अब आपको करना है दूसरा जो लिंक मैंने दिया है रिफ्यूज़ ये सब का इसका ऐप का, आपको क्या करना है नीचे आना है, डाउनलोड ऑप्शन है, लेटेस्ट अपडेट ये है, आपको क्या करना है ये जो ऊपर वाला है ना ये 3.14 आपको ये ले लेना है। मैंने क्लिक कर लिया, क्लोज ऐड आ सकता है गाइस, और ये देखिए ये भी आपका इंस्टॉल हो चुका है। सो गाइस आपने जहाँ डाउनलोड किया आपको वहाँ चले जाना है, तो जैसे मैंने डाउनलोड्स में मेरा। अब आपको क्या करना है गाइस ये जो है ना विंडोज 10 आपको इसको क्या होता है ओपन कर लेना है, ये विंडोज़ का आपको ऑप्शन दीजिएगा और ये एकदम ओरिजिनल है गाइस, कोई भी फेक वुक है नहीं गाइस, एकदम ओरिजिनल है। फ्यू थिंग्स रेडी, तो ये आपका थोड़ा सा टाइम ले सकता है गाइस, आपके नेट के ऊपर डिपेंड है। सो गाइस देखिए आपका कहते हैं ये ज़्यादा एक मिनट लिया, उसके बाद आपको ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस है ये सब आपको पढ़ लेना है गाइस और आपको एक्सेप्ट में क्लिक कर लेना है। फ्यू थिंग्स रेडी वापस आएगा आपका ऑप्शन ये आप अब देखिए। अब गाइस ये मेन चीज़ है, देखिए जैसे मेरा विंडोज 10 ऑलरेडी है, आप हम लोग तो पेन ड्राइव में क्रिएट कर रहे हैं तो अपने को क्या करना है क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया USB फ्लैश ड्राइव iOS फाइल ये सब एंड अदर्स, आपको क्या करना है नेक्स्ट में क्लिक कर लेना है गाइस। उसके बाद ये जो है ना इसको आपको अनटिक कर लेना है और आपको क्या होता है इंग्लिश चूज़ कर लेना है विंडोज 10 और यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेगा, मैं आपको बोलता हूँ 64-bit लीजिएगा गाइस और आपको नेक्स्ट में आपको क्लिक कर लेना है। अब गाइस आपको क्या करना है, जैसे आप अपने कितने वीडियोज़ आपने देखे होंगे तो आपको बताएगा कि आपको अपना पेन ड्राइव डालना है और आपको अब बस इसमें क्लिक करना है USB फ्लैश ड्राइव। गाइस देखिए मैं आपको इजी वे बता रहा हूँ, ये जो है ना ये आपका बहुत टाइम ले लेगा, ये आपका जो मैं मेथड बताने वाला हूँ वो आपका बहुत कम टाइम ले लेगा। तो देखिए iOS फाइल में आपको क्लिक कर लेना है और आपको नेक्स्ट में क्लिक कर लेना है गाइस, नेक्स्ट में आपको क्लिक कर लेना है और आपको अपना जहाँ आप ढालना चाहते हैं आप वहाँ ढाल लीजिए। सो गाइस ये मैं चाहता हूँ यहाँ ढालना चाहता हूँ विंडोज 10, आप नाम दे सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप जहाँ सेव करना चाहते हैं वहाँ सेव, मतलब आपको खाली ड्राइव चेंज करना है और आपको ये नाम वाम कुछ चेंज करने का नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरा iOS फाइल जो है वो बना हुआ है। अब देखिए आपको क्या करना है 10 सेव में आपको क्लिक कर देना है। अब ये देखिए गेटिंग फ्यू थिंग्स, ये आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि 5 GB का है तो आपका मैक्सिमम नहीं लेगा। ये देखिए प्रोसेस होना स्टार्ट हो चुका है गाइस, ये 100 हो जाए तो आपके यहाँ क्या होता है फिनिश का एक सिंबल दिखाएगा, मेरा ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में लेके चलता हूँ डायरेक्ट और ये देखिए प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। अब कुछ नहीं करना है गाइस, मैं हटा दे रहा हूँ, आप क्या होते हैं यहाँ आपको जब आपका 100 हो जाएगा आपको फिनिश में क्लिक कर लेना है। तो गाइस आपने देखा कि हम लोग iOS फाइल बनाए थे, ये देखिए ये ऐसा फाइल आपको दिखेगा जहाँ आपने सेलेक्ट किया है और मैंने आपको एक ऐप बोला था ये, तो आपको क्या करना है अब सबसे पहले आपको अपना पेन ड्राइव जो है वो आपको इंसर्ट कर लेना है अपने कंप्यूटर में। तो मैं ये लिया और मैं इंसर्ट कर लिया। अब गाइस आपको क्या करना है ये आपको ओपन कर लेना है।
सो गाइस देखिए, यहाँ आपको नो लेबल आपका जो पेन ड्राइव है वो आपको दिख जाएगा। नो लेबल आपका नाम होगा, आपका कौन नाम होगा, बट यहाँ आपको नो लेबल दिखेगा। 8 GB का पेन ड्राइव मिनिमम आपको 8 GB का चाहिए। और यहाँ आपको देखिए, यहाँ दिख जाएगा आपको क्या कहते हैं डिस्क और ISO फाइल। आपको यहाँ सेलेक्ट में क्लिक कर लेना है। अब आपको नीचे चले जाना है जहाँ आपने अपने ISO फाइल को रखा था, वहाँ जाके इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। अब गाइस देखिए, आपको इमेज ऑप्शन यहाँ दिखेगा, विंडोज़ गो टू, और एक होगा स्टैंडर्ड विंडोज़। तो देखिए, विंडोज़ गो टू है वो है कि आप क्या होता है, आपका विंडोज़ कभी ख़राब हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, पेन ड्राइव ढाल के आप विंडोज़ को चला सकते हो। बट हम लोग तो यहाँ करने वाले, आप विंडोज़ इंस्टॉल करने का पेन ड्राइव बना रहे हो, तो क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को सेलेक्ट करेंगे गाइस। हाँ गाइस, हम लोग स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन में हम लोग क्लिक करेंगे। तो इसमें हम लोग क्लिक करते हैं। अब आप अपने को क्या करना है गाइस, इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है। विंडोज़ गो भी आप कर सकते हैं, बाद में आप कर लीजिएगा आपका मन। अब आपको कुछ भी टच नहीं करना है गाइस, कुछ भी आपको नहीं करना है। आपको यहाँ रेडी का ऑप्शन दिखेगा, रेडी, और आपको स्टार्ट में क्लिक करके अब ये आपको बोलेगा, वार्निंग देगा कि आपका पेन ड्राइव क्या होता है, फॉर्मेट हो सके। तो गाइस आप एक चीज़ याद रखना, आपका पेन ड्राइव जो है वो पूरा खाली होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका कुछ होगा उसको फॉर्मेट कर देगा, बैकअप लेके आप रख लीजिएगा। सो गाइस ये देखिए, ये कॉपी करना स्टार्ट कर दिया है, ISO फाइल से अपना कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि 5 GB को ये एक्सट्रैक्ट करता है। सो गाइस देखिए, क्या होता है, रेडी हो चुका है अपना कंप्लीट होने का, आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो देखिए, रेडी एकदम कंप्लीट है। आपको स्टार्ट में वापस क्लिक करना है, क्लोज में क्लिक कर लेना है, आपको क्लोज अप कर दीजिए, आपका सक्सेसफुल हो चुका है, कुछ घबराने का ज़रूरत नहीं है। अब गाइस मैं दिखाता हूँ, ये रहा पेन ड्राइव मेरा लेबल किया हुआ है, तो यहाँ मैं चले जाता हूँ। ये देखिए, पूरा सेटअप फाइल आ चुका है गाइस। तो आपको देखिए, आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आप क्या सक्सेसफुल अपने विंडोज 10 इंस्टॉल कर चुके हैं। सो गाइस, आज के इतना ही। मेरा नाम था अमनाप, देख सकते हैं डिजिटल ट्यूशन। और ये पेन ड्राइव क्या, मतलब कोई भी पेन ड्राइव हो, ये सब आपको खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप जाके वहां से परचेस कर सकते हो। आज के इतना ही, बाय बाय गाइस।